गाइस, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो आप सबको। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सहरी से लेके इफ्तार तक मैं पूरा दिन रमज़ान में क्या करती हूँ, कैसे अपने पूरा दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, स्किन केयर करती हूँ और हेल्दी डाइट क्या लेती हूँ। रमज़ान में ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मैं नीम का दत्त मज्जन यूज़ कर रही हूँ। ये मैं बचपन से यूज़ करती हूँ क्योंकि अम्मी ने यही मुझे सिखाया है। अभी शहरी में मैं लूँगी म्यूसली, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है ना, अभी न्यू रूटीन ऐड हुआ है तो ज़्यादा भारी चीज़ लेंगे तो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो मैं यहाँ पे लाइट ले रही हूँ, शहरी में हमेशा लाइट करती हूँ ताकि मेरा अच्छे से डाइजेस्ट हो सके एंड मेरा बॉडी में ज़्यादा झटका भी ना लगे, क्योंकि भारी चीज़ लेने से पूरा दिन आपका बहुत ज़्यादा आलसपन लगता है एंड वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे मैं म्यूसली ले रही हूँ। म्यूसली में बहुत सारा ड्राई फ्रूट होता है और दूध तो अच्छा होता ही है, बहुत अच्छे से एनर्जी भी देता है। ना जाने कितने साल बीत गए कि मैं अपने अम्मी अबू के साथ एक भी रोज़ा नहीं रखा है, क्योंकि घर जाना ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लाइफ अभी बिजी हो गया है। और मेरे अम्मी अबू मिलने तो आए थे मुझसे रोज़ा के ठीक दो दिन पहले ही, वो लोग मेरे लिए देसी घी चावल के आटा लेके आए थे। और मेरी अम्मी बोल रही थी, तुम जो यूट्यूब में वीडियो बनाती हो तो अपने दोस्तों को बोलना घर का पिसा हुआ चावल का आटा ही यूज़ करें, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो केमिकल फ्री है। सो मेरी माँ मेरे यूट्यूब का वीडियो देखती भी है और मेरे को ना लाइक करके बोलती है फ़ोन करके। मैंने ना लाइक करा, मैंने बोलता अच्छा चलो ठीक है। गाइस, ये मेरा दादी का तस्बीह है जो 20 साल पुराना है, दादी का आखिरी निशानी है, तो मैं अपने पास संभाल के रखी हूँ। चाहे जितने भी अच्छा तस्बीह दाना हो, मैं कभी उसको यूज़ नहीं करती, सिर्फ मेरा दादी का तस्बीह दाना यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनका आखिरी निशानी है। अभी तो वो दुनिया में नहीं है पर अल्लाह ताला उनके मगफिरत फरमाए। मैं अपने दादी के लिए हमेशा दुआ करती हूँ और बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ। सो अभी अजान हो गया है, मैंने वज़ू कर लिया है, अब नमाज की शुरुआत करते हैं। रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल करे, हम सब की गुनाहों को माफ़ करे और सब कोई खुश रहो। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, आप सब लोग भी खुश रहो और आप लोग भी दुआ में मुझे याद रखना। मैं ज़्यादा प्रो तो नहीं हूँ पर वीडियो देख देख के मुझे जितना आता है उतना मैं इबादत कर लेती हूँ। नमाज़ पढ़ना भी मैंने यूट्यूब के वीडियो से ही सीखा है लॉकडाउन में। तो चलो, नमाज तो मेरी हो गई, आप सो जाते हैं। रमज़ान में मैं 11 से 12 के बीच में उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट से सोती हूँ तो लेट से ही उठना होता है। आप लोग कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। रमज़ान में खुद को प्रोडक्टिव रखने के लिए घर का काम किया करो, खुद का काम खुद से कर लो, टाइम पास भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव फील करोगे और बहुत अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा आपका आसपास में, क्योंकि आपके मम्मी भी तो बहुत ज़्यादा थक जाती होगी पूरा घर का काम करते हुए, वो भी तो रोज़ा में ही रहती है। तो ये छोटा छोटा चीज़ अगर करोगे आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। नहा के मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अभी मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, उससे पहले मैंने अपना वज़ू भी कर लिया है और फिर मैं नमाज़ पढ़ने बैठ जाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपने नाइट सूट का पजामा पहना है क्योंकि ये थोड़ा ठीक है और जो सूट के साथ था वो थीन था, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया है।
एक साल हुआ है मैंने इस कुरान को हदिया किया है। मैंने दिल्ली से ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। इसमें अच्छी बात है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं पढ़ने में, और साथ ही साथ में मीनिंग है। आप क्या पढ़ रहे हो उसका मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुरान में मैं क्या पढ़ रही हूँ वो मीनिंग मुझे पता चलता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरे पास जो कुरान था सिर्फ उर्दू में था, तो मीनिंग नहीं था, तो उतना पता भी नहीं चलता था। अब बहुत अच्छे से समझ में आता है मैं क्या पढ़ रही हूँ, उसका मीनिंग क्या है, और मिस्टेक भी नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश में भी है, तो हेल्प हो जाती है। अब इफ्तारी की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली और अजवाइन का पत्ता लेने आई हूँ। अजवाइन के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं और इसको मैं सैलेड में डालूंगी। तो यहाँ पे मैं चिया सीड 2 चम्मच सोख करके रख दूंगी, क्योंकि कोकोनट वाटर में चिया सीड जाएगा, 10 मिनट में ये सोख हो जाता है। यहाँ पे मैं पपीता कट कर रही हूँ। आज जो आप लोगों को मैं एक जो डाइट शेयर करूँगी, ये डाइट पूरा ऑन मंथ अल्टरनेट करके फ्रूट को चेंज करके आप लोग लेना। ये डाइट अगर आप फॉलो करोगे, मेरा दावा है इस रमज़ान के पाक मुबारक महीने में आपके स्किन 30 दिन के बाद आपको खुद नोटिस करोगे कि कितना अच्छा हेल्दी ग्लोइंग पिंपल फ्री पिगमेंटेशन डलनेस कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप इंटरनली अपने आप को हील करोगे बहुत अच्छा, क्योंकि विटामिन ए सी ए टू जेड इस डाइट में होगा, कोई फैट नहीं होगा। आपका बॉडी अगर बहुत ज़्यादा फैटी है तो बहुत अच्छे से आपको वेट लॉस देगा, वो भी हेल्दी वे में। और यहाँ पे कोई भी फ्राइड फूड ऐड नहीं होगा, कोई भी शुगर ऐड नहीं होगा, कोई भी मैदा ऐड नहीं होगा, क्योंकि मेरे डाइट पे ये सारे चीज़ नहीं होता है, मैं नहीं खाती हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं खाती हूँ तो क्या खाती हूँ। मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सही चीज़ खाती हूँ। पर देख लो आप लोग, यहाँ पे मैं चना का सैलेड बनाया है, हर एक फ्रूट जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने ले लिया है, और यहाँ पे घुगनी जिसको बोलते हैं मटर का घुगनी, यहाँ पे बरबट्टी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें विटामिन ये है, रेटिनो ऑयल में विटामिन ये होता है। सो मैं खाने से अपना वो सारे चीज़ लेती हूँ ताकि मेरे स्किन हेयर ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा हो। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट पहले से भिगो के रख दिया था, तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट भी ले लूँगी। आप लोग पहले से हर एक चीज़ प्रिपरेशन कर लेना ताकि आप लोगों को ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। और अजवाइन के पत्ते अगर घर पे है तो ज़रूर लेना, उससे डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होगा। सो ड्राई फ्रूट भी मेरा रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला नमक देके अपने सैलेड को रेडी कर लिया है। कोकोनट वाटर देके चिया सीड को भी मैंने रेडी कर लिया है। ये बहुत अच्छे से स्किन को ग्लो करता है, डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट करता है, टॉक्सिन को रिमूव करता है। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन ले लिया, ये तो सबकी फेवरेट होती है, मीठा मीठा ठंडा ठंडा। और यहाँ पे मैं छाछ बना रही हूँ, इसमें कोई भी शुगर नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल भी शुगर नहीं जाएगा ना स्टेविया जाएगा। यहाँ पे आप मीठा के लिए हनी यूज़ कर सकते हो, तो वो हनी यूज़ करना जो शुगर फ्री आता है। मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा हनी में भी मिक्स होता है शुगर, तो वो यूज़ मत करना। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही थिक बनता है, मज़ा आ जाएगा आपको। एंड उसके बाद अब मैं रेडी करूँगी डिटॉक्स वाटर। ये डिटॉक्स वाटर में सारे फ्रूट मैंने ऐड कर लिया है। इसमें मैंने ज़्यादा से विटामिन सी को ऐड किया है ताकि मेरा बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी जाए, डिटॉक्स हो जाता है। ये वाटर मैं 8 बजे के अंदर पूरा ख़त्म कर लूँगी। सो रेडी हो गया है, और आप लोग देख लो कितना हेल्दी टेस्टी और कितना कलरफुल मेरी खाना सब मैंने प्लेट जो सजाया है इफ्तारी के लिए। यहाँ पे कोई फैटी फूड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैदा शुगर कुछ नहीं है। सो ये डाइट बेस्ट है स्किन के लिए और आपका हेल्थ के लिए, तो इसको ज़रूर फॉलो करना। रमज़ान के महीने में बहुत अच्छे से बॉडी डिटॉक्स होता है नेचुरली, और खाने से भी आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हो। Thank you.
ये डिटॉक्स वाटर पीने से आपका बॉडी बहुत अच्छे से डीपली क्लीन होता है, जैसे स्किन को डीपली क्लीन करते हैं वैसे इंटरनली हमारे बहुत अच्छे से क्लीन होता है, जितना भी टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाता है और आपको एक बहुत अच्छे से हेल्दी ग्लोइंग स्किन मिलता है। तो इसको रूटीन में ज़रूर ऐड करना। सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब वर्कआउट टाइम वो कभी मिस नहीं कर सकती मैं, तो अब मैं जा रही हूँ जिम। वैसे तो मेरा रूटीन चेंज हो गया है, तो अभी मैं रात में वर्कआउट करने के लिए जिम जा रही हूँ। रमज़ान में हमेशा मैं सबको सुनती हूँ कि इफ्तार करने के बाद एनर्जी नहीं है, आलस फील हो रहा है, नींद आ रहा है, इसलिए होता है क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली फूड, इतना ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाया जाता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इतना ज़्यादा अगर आप खाना दोगे बॉडी को तो कहाँ से एनर्जी फील होगा। तो कोशिश करें हेल्दी खाए और एक्टिव रहे, और वर्कआउट करने के बाद तो फेस का ग्लो ही अलग रहता है। यही चीज़ के लिए मैं कभी वर्कआउट मिस नहीं करती, तो आप लोग भी किया करो। और होम वर्कआउट मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी, और अभी मैं वॉक करके घर जा रही हूं। जिम से आने के बाद मैं सो गई थी, तो अभी मैं उठी हूं, तो यहां पे मैं आप लोगों को जो बॉक्स दिखा रही हूं ये है आइसक्रीम, पर ये डेयरी फ्री है, शुगर फ्री है और वीगन है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, बट इज़ ओके, कभी कभी अगर आपका दिल करे तब खा सकते हो। मैं शुगर नहीं खाती इसलिए मैं कभी कभी मैं ऑर्डर करती हूँ। ये मैंने 2 बॉक्स ऑर्डर किया था, तो इसमें मुझे 700 समथिंग कुछ पड़ा, और इसमें 300 समथिंग कुछ लगा, और जो चॉकलेट वाला था उसमें भी 300 समथिंग। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो अगर क्रेविंग हो रहा है, जिसका PCOD है, PCOS है, जिसका थायराइड है, या फिर जो भी वेट लॉस जर्नी में है, तो ये आराम से ले सकता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को शो कर दूँ। एंड हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पानी पीते रहो। जिम से आके नहीं नहाई थी, तो अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं करूँगी अपने स्किन केयर नाइट में। सो यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी का पिलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर रही हूँ। इसको लगाने से पहले थोड़ा सा सेक कर लेंगे, फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ देंगे। रमज़ान का पहला दिन था और आज मैंने 3 लीटर पानी पी लिया है। 1 लीटर मैंने डिटॉक्स वाटर पिया है, 2 लीटर मैंने नॉर्मल पानी पिया है। सो आप लोग भी ऐसा करना कि आप लोग भी नाइट तक पूरा 3 लीटर पानी को कंप्लीट कर सको, ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, आप भी हाइड्रेट रहो। जिसके एक्ने प्रो स्किन है वो प्लीज़ ये चीज़ यूज़ मत करना, क्योंकि एक्टिव एक्ने में कोई भी पिलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया नहीं जाता है। अभी मेरा फेस पूरा क्लीन हो गया है, एंड मेरा फेस अभी बहुत ज़्यादा क्लीन और फ्रेश लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लग रहा है, क्योंकि डेड सेल रिमूव हो गया है। इसके बाद मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी अच्छे से, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो इससे अच्छे से मैं फेस में स्प्रे कर लूँगी। और कुछ ज़्यादा ही कर लिया, मेरा आँखों के अंदर भी चला गया है थोड़ा। एंड इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी, और मेरे को इतना ज़्यादा हैक्ची हो रहा है, पक्का आप लोग कोई तो मुझे मिस कर रहे हो, कौन कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं कुछ टाइम से ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये है सीसा एंड सीरामाइड सीरम। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट सीरम है। जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, मैं तो इसका दीवानी हो गई हूँ।
इतना अच्छा सीरम है, ओवरनाइट आपका स्किन को हील करता है, इचिंग अगर हो रहा है तो ओवरनाइट पे रिपेयर करता है, तो ये तो फिलहाल के लिए मेरा स्किन के लिए बेस्ट फ्रेंड बन चुका है और ये मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला है। जस्ट 3 से 4 दिन में ही समझ में आ जाता है। इससे बहुत अच्छे से स्किन हेल्दी भी रहता है, हाइड्रेट भी रहता है, और इरिटेटेड स्किन है तो बहुत अच्छा रहता है, सेंसिटिव वालों स्किन के लिए बहुत ही सही है एंड बहुत अच्छे से स्किन में वर्क करता है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। दैट्स इट, मेरा सिंपल नाइट केयर स्किन रूटीन मेरा कंप्लीट हो चुका है। रमज़ान में मैं यही सारे चीज़ मैं फॉलो अभी कर रही हूँ। सो आज का रमज़ान का रूटीन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।